हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। यमुनानगर में ओवरलोडिंग वाहनों पर आरटीए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और इसी को लेकर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कई ओवरलोड वाहनों को एक साथ लाइन में लगे हुए रात के अंधेरे में वो चल रहे हैं। इस मामले में आरटीए और जिला अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि उनके संज्ञान में भी मामला आया है और लगातार उनका विभाग ओवरलोड वाहनों के चालान भी कर रहा है, साथ ही वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से अब तक 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात उन्होंने कही। ओवरलोडिंग की चेकिंग जो है वो हमारा रूटीन का मैटर है, हम डेली इस पर चेकिंग करते हैं और जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनका चालान भी करते हैं और तकरीबन ये हमारी रूटीन की है। जो आप ये लाइन दिखा रहे हैं ये अभी जैसे असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब आपको बता रहे थे कि ये हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ आगे 300-400 मीटर की दूरी पर करनाल शुरू हो जाता है। जैसे हम कोई चेकिंग शुरू करते हैं तो एक दो ट्रक हमें मिल जाते हैं और इमीडिएटली बाकी ट्रक्स जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट की सीमा में पहुँच जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा वहाँ डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग करें और जैसे कि आज से हम चेकिंग को और ज़्यादा